सदन को नमस्कार। माननीय सभापति महोदय का आभार कि परिवर्तित बजट 2024-25 के बारे में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। तथ्यों पर बात करूंगी, कुछ सुझाव भी होंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा, मांगें भी होंगी और सराहना भी होगी। मेरा मानना है कि मौजूदा सरकार काफ़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के साथ ही उन्हें विरासत में मिली है पिछली कांग्रेस सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं। बजट की शुरुआत माननीय उप मुख्यमंत्री साहिबा ने निदा फाजली की कुछ पंक्तियों से किया था और मैं भी उन्हीं की पंक्तियों में इस बजट को बयां करूंगी। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी, यहाँ माने बजट, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों के साथ तुम भी बहल सको तो चलो। बात करते हैं जल संकट की, तो बिंदु क्रमांक 5 में JJM मिशन का उल्लेख है। क्योंकि मैं राजधानी से सटे चौमू विधानसभा क्षेत्र से आती हूं, जो कि एक डार्क जोन भी है, वहां हम बहुत ही गंभीर जल संकट फेस कर रहे हैं। JJM के अंतर्गत इस वर्ष 15,000 करोड़ व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है, पर कहीं भी सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि यह योजना 31 मार्च 2024 को ही पूर्ण हो चुकी है और उस तारीख के बाद केंद्र सरकार की ओर से फर्दर वर्क ऑर्डर्स पे रोक लगी हुई है। गति की बात की जाती है, पर केंद्र में BJP सरकार होने के बावजूद भी हमारी राज्य सरकार को कोई एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी जगह ट्यूबवेल और OHSR के लिए लैंड अलोकेट नहीं हुई है। बात करें अमृत 2 योजना और बिसलपुर योजना की, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र को इससे वंचित रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा, हम बहुत ही गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी योजना प्रस्तावित की जाए। मेरा व्यक्तिगत मेरी राय है कि जल शक्ति योजना जैसी उच्च एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रपोजल्स को सीरियसली इम्प्लीमेंट करने की दिशा में विचार किया जाए। ऊर्जा की बात करें तो हर्ज नहीं कि आगामी 10 वर्ष या 2047 में के मुंगेरी लाल के हंसी सपने आप देखें, पर क्या सरकार के पास जवाब है जिस पीड़ा से पिछले 4 महीने जनता अघोषित बिजली कटौती से गुजरी है? सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके पास भी जरूर रात दिन फोन आते होंगे, घर में 2 महीने का छोटा बच्चा है, 4 घंटे से बिजली कटौती हो रही है, 85 साल के बुजुर्ग हैं जिन्हें कोई ऑपरेशन हुआ है, जो बीमार हैं, खाना बनाने का समय है बिजली चली गई है, खाना खाने का समय है, दिया बाती का समय है बिजली चली गई है। तो ये जो बिजली संकट है, ये जो पीड़ा है, इसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। और क्या सरकार के पास कोई इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं या अगले 1 साल में भी इसके निराकरण के लिए कोई सॉल्यूशन, कोई विजन सरकार रखती है? एक तरफ 2 लाख से ज़्यादा डोमेस्टिक कनेक्शंस देने की बात कही गई, 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों को कनेक्शंस देने की बात कही गई, पर दूसरी तरफ हर सबस्टेशन 4 ब्लॉक्स को सप्लाई कर रहा है। कहीं भी ये नहीं बताया गया कि 2 सबस्टेशन पर ब्लॉक का स्टेटस आने में क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, उसका क्या विजन है। सौर ऊर्जा के लिए कुसुम योजना की पर काफ़ी जोर दिया गया, वर्क ऑर्डर्स भी उसके पास हुए हैं, पर एग्जिस्टिंग सबस्टेशंस को अपग्रेड करने के लिए जो अनुमानित लागत 5,000 से 10,000 करोड़ की अतिरिक्त है, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसी कुसुम योजना के बारे में अगर बात करें तो सच्चाई यह है कि कुसुम सी योजना में किसान भाग नहीं ले रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां कोई कंपनी टेंडर लेने तक नहीं आ रही है। जो बड़ी कंपनियां आ रही हैं
तो वो बिना लैंड के आ रही हैं। बहुत सारी जगह जमीन तक आवंटित नहीं की गई है। भले ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गए हैं पर धरातल पर कोई काम वहाँ नहीं दिखता है। बात सड़कों की करें, 5 करोड़ विधानसभा वार बजट की बात आई जिसका लेटर फरवरी में निकाला गया और प्रतिपक्ष में बैठे बहुत सारे विधायक साथी भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि किस तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से उस बजट को एलोकेट किया गया। 3 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लेटर आया जो आज तक उसके प्रपोजल्स जिला परिषद में अटके हुए हैं और उनके पास उस पर कार्रवाई करने के लिए वहाँ कोई भी सरकार से ऊपर से ऑर्डर्स नहीं पहुँचे हैं। फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि चौमू को उन्होंने 7 करोड़ की 5 मुख्य सड़कें प्रस्तावित लिस्ट में उन्होंने डाली हैं, तो इसके लिए ज़रूर मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और एक मांग भी रखना चाहूँगी कि सख्त ज़रूरत है हमें लोरवाड़ा से टांकलडा तक के मेगा हाईवे के कंस्ट्रक्शन की और एक आरओबी कंस्ट्रक्शन की, जिसे अनदेखा किया जा रहा है और जिसके अभाव में आए दिन या तो दुर्घटनाएँ हो रही हैं या ट्रैफिक जाम की सिचुएशंस बन रही हैं। क्योंकि डिस्कशन है तो मैं सराहना करूँगी कि पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं के लिए जो बायोपिंक टॉयलेट्स का प्रस्ताव लाया गया है। एविएशन सेक्टर की घोषणाएं प्रथम दृष्टिया काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही हैं। राजकीय अनुदानित और खेल छात्रावासों में मेस अलाउंस को बढ़ाया गया है, यह भी काफ़ी सराहनीय है। श्रद्धा की बात पर आएँ तो खाटू श्याम जी मंदिर के भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ का एक बड़ा बजट प्रस्तावित है, पर मुझे बहुत ही निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि शेखावाटी के सालासर जी मंदिर और मेरे चौमू क्षेत्र में सामोद बालाजी महाराज का मंदिर जो एक पर्यटन स्थली भी है उसका नाम कहीं भी कोई लिस्ट में प्रस्तावित नहीं है। इसे वंचित रखा गया है कोई भी बजट से, तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस पर भी विचार किया जाए और हमारे नाम भी कुछ बजट हमारे बालाजी महाराज के मंदिर के नाम अलॉट किया जाए। बिंदु क्रमांक 59 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ही सहजता से लिखा गया है कि गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए और उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी दी जाएगी। कितनी सहजता से शिक्षा का स्तर सुधार दिया। क्योंकि यह बजट ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज मात्र है तो मैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स को कॉम्प्लीमेंट करूंगी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करें, बीइंग ए डॉक्टर मुझे लगता है एक हैंडसम अमाउंट ऑफ बजट इस क्षेत्र को दिया गया है जो एक सकारात्मक संकेत है, पर कहीं ना कहीं अनियोजित तरीके से दिया गया है। कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया पर कहीं भी कोई कमेंट नहीं है कि प्रति परिवार 5 लाख या 25 लाख का कवर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैंसर के लिए आईपीडी और डे केयर पैकेजेस का प्रावधान दिया गया है, पर मैं आपको बताऊं यहां पर कि ये पैकेजेस पहले से एग्जिस्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के एम्पैनलमेंट में रिलैक्सेशन का एक अच्छा कदम उठाया गया है। पैकेज रेट्स को रेशनलाइज करने का विचार रखा गया है। मेरी राय है कि प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसी रेट्स दी जाएं कि वो सर्वाइवेबल हों और प्राइवेट सेक्टर खुद इंटरेस्टेड रहे। माँ वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु प्रस्ताव रखा गया है, पर उसमें प्राइवेट सेक्टर शामिल होगा या नहीं, उसमें बड़ी जांचें शामिल होंगी या नहीं, इसका कहीं भी प्रस्ताव नहीं रखा गया। बहुत निराशा हुई ये जानकर कि महिला प्रसव पैकेज को प्राइवेट सेक्टर से नहीं जोड़ा गया है। महिला के लिए चाइल्ड बर्थ जीवन के सबसे सुखद पलों में से होता है, तो मेरी सरकार से मांग है कि इसे जरूर कंसिडर किया जाए और प्लीज डिलीवरी पैकेजेस को इसमें शामिल किया जाए। समय पीडियाट्रिक पैकेज में बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो मेरी मांग है कि टीकाकरण को भी उसमें शामिल किया जाए।
ढाई घंटे लगे। कृषि सिंचाई की बात करें, पशुपालक के उद्धार की बात की जाती है, पर दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। पशु बीमा की बात की जाती है, जो कांग्रेस के सरकार की समय से चल रहा है, दुधारू गाय और भैंस के 5 लाख रुपए देने के अलावा भेड़ और बकरी का कवर भी 5-5 लाख का है और ऊंट का 1 लाख का। ये राशि किस तरीके से आवंटित की गई है, ये थोड़ा समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना में जयपुर जिले में ही कम से कम 2.2 लाख किसानों के बकाया 112 करोड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और ये योजना आगे चालू रखने की मंशा है कि नहीं, इसका भी कोई, इस पर भी कोई कमेंट नहीं किया गया। सर 2 मिनट और प्लीज, श्री गुरुवीर सर 2 मिनट और, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सर 2 मिनट प्लीज, समय हो गया। ईआरसीपी पीकेसी की अगर बात करें तो इस परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने की चर्चा की गई है। सर 2 मिनट बजे समाप्त करना सर, मेरी रिक्वेस्ट है 2 मिनट। वर्क ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, पर सच्चाई यह है कि इसका एमओयू ही हुआ है, जबकि अभी तक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होना बाकी है। सरकार क्या बता सकती है कि दिल्ली हरियाणा एमपी का कोई कंबाइंड डीपीआर अभी तक तैयार हुआ है या नहीं हुआ है? जब जमीन अधिग्रहण ही नहीं हुआ तो नहर किस तरह से आएगी? तो इस तरीके से प्रतीत होता है कि यह बहुत ही सुपरफिशियल एक बजट है, जो सिर्फ एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है। चूंकि केंद्र सरकार के पहले ये बजट पेश किया गया है, तो हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि राज्य को कितना और कर्ज भार हमें वहन करना पड़ेगा। पर्ची सरकार पर ब्यूरोक्रेसी काफी हावी है। उसकी सरकार को याद दिलाते हुए बशीर बद्र साहिब के कुछ शब्दों से, तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।